Hello everyone, welcome to Genic Education. So in previously we have seen that how to convert a two winding transformer into what? Auto transformer. अब देखो इस पे numericals कैसे आप बनाते हो और उसको कैसे आप solution करते हो. देखिए जरा पहला question मेरे पास है. A single phase 2 kV 100/200 volt transformer is rated as an auto transformer such that its kV rating is going to be maximum. और वो कितनी वैल्यू आएगी यही आपसे पूछा है. मतलब आप जो इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, तो मेरे पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इससे बेटा मुझे क्या बनाना है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है. ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर जिसकी मैक्सिमम केवी रेटिंग हम पा सकें. तो मतलब ये तो हो गया प्लस माइनस 100 वोल्ट, ये बोलिए जरा कितना हो गया 200 वोल्ट, ठीक है, ये कितना है 2 KVA, करेक्ट हुई इतनी बात, और ये क्या हो गया I1 और ये क्या हो गया था आपका I2. तो आपको मैंने बताया था आप कभी भी वो रिलेशंस पे मत जाया करो, ठीक है, जो आप रिलेशन पढ़ते हो, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग, सॉरी ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइड बाय टू वाइंडिंग, वैलिड भी हो सकता है और वैलिड नहीं भी हो सकता है. इसलिए उस रिलेशंस को मैं जो सजेस्ट करता हूं कभी नहीं यूज करना चाहिए. वो सब रिलेशंस एक पर्टिकुलर कंडीशंस पर डिफाइन किए गए उस केस में वैलिड होते हैं वो, ठीक है. तो आप देखो जरा यहां पे मैंने अपनी तरफ से डॉट ले लिया, नहीं दिया तो मान लेता हूं, ठीक है, ABCD. अब फटाफट बताना आंसर मुझको. अब बताओ जब भी ऑटो ट्रांसफार्मर आपको बनाना होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, तो मैंने आपको कुछ बोला था, मैंने कहा था रेटेड करंट निकालो जब तक यहां पे कोई लोडिंग कंडीशन आपको मेंशन नहीं की गई है. तो आप बताइए मेरे को I1 रेटेड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो I1 की रेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 2 × 10³ डिवाइड बाई कितना 100, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 20 एम्पियर, करेक्ट. नेक्स्ट बताइए I2 रेटेड अगर मैं निकालूं तो I2 रेटेड कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 2 × 10³ डिवाइड बाय कितना वोल्ट है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट हो गया, तो ये हो गया 200 × 10 डिवाइड बाय कितना 200, दिस इज कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर, तो ये आ गया 10 एम्पियर एंड दिस वन इज इक्वल टू 20 एम्पियर, करेक्ट हुई इतनी बात. अब देखो जरा इसको हटा देता हूं, इसकी नीड खत्म हो गई हमको. अब देखो जरा अब अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है एडिटिव पोलरिटी, एक है सब्ट्रैक्टिव पोलरिटी. अब दोनों में से ही दो ही केवल फिजिबल कनेक्शन थे, तो मेरे पास क्या क्या फिजिबल थे, तो आप देखो प्राइमरी का वोल्टेज कितना 100, प्राइमरी फिक्स कर दिया, सेकेंडरी में एडिटिव अगर हम करते हैं तो 200 प्लस कितना बनेगा, बोलो बेटा 100 इज इक्वल कितना आ जाएगा 100 / कितना 300 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, ठीक है. दूसरा केस एडिटिव में ही मैंने बताया था आपको सेकेंडरी फिक्स कर दो, सेकेंडरी फिक्स हो गया, प्राइमरी वोल्टेज जोड़ दो 200 + 100 कितना 300 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये बन गया 300 / कितना 200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर. ये तो हो गया एडिटिव के कॉम्बिनेशन. सिमिलरली सब्ट्रैक्टिव के कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा 100 को फिक्स कर दो, नेक्स्ट बताइए 200 - कितना 100, तो कितना हो जाएगा 200 - 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बात, दैट इज इक्वल टू 100 / कितना 100. नेक्स्ट बताइए क्या केस बताया था मैंने, सेकेंडरी को फिक्स कर दो, सेकेंडरी कितना हो गया 200, और इधर आप कर दो तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट, 200 में से 100 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 ओनली, क्लियर हुई इतनी बात. माइनस प्लस मत जाओ, ठीक है, माइनस प्लस एक अलग चीज, जब कनेक्शन बनाओगे तो माइनस प्लस सब उसमें कंसिडरेबल हो जाएगा, उसके लिए वरी मत करो कि सर इसमें 100 - 200 कि 200 - 100 करूं, उससे फर्क मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मैं ऑलरेडी बार बार आपको समझा चुका हूं, नेटवर्क से पढ़ाता रहा हूं तब से बोलता जा रहा हूं, माइनस का केवल सिग्निफिकेंस केवल डायरेक्शन होता है, दैट्स ऑल, और कोई सिग्निफिकेंस इसका नहीं है, ठीक है. तो आप देखिए जरा अब दोनों कनेक्शन देखिए कौन कौन से कनेक्शन आपके फिजिबल हैं, कौन कौन से कनेक्शन फिजिबल है आप बताइए, जिसका टर्न रेशियो सबसे कम आएगा वही आपका फिजिबल कनेक्शन है. बोलो पहले में अगर टर्न रेशियो आप निकालते हो तो आपके पास क्या मिलेगा, बोलिए जरा 300 / कितना 100 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3, ये तो एडिटिव कनेक्शन हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गया आपकी 300 / 100 कितना आ गया आपके पास 3. नेक्स्ट बताइए सेकंड वाला आपके पास क्या कनेक्शन आपको दिख रहा है, 300 / कितना 200, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपकी 300 / कितना 200, तो कितना आ जाएगा 1.5, करेक्ट. नेक्स्ट बताइए जरा थर्ड केस में आपके पास कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 100/100 1. नेक्स्ट बताइए कितना आएगा 200 / कितना 100, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2. तो आप बताओ
इस दोनों में एडिटिव में कौन सा फिजिबल कनेक्शन आपका होगा, दैट इज इसका 3:3 आ रहा है, इसका आपका 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो आप बताओ इन दोनों में से कौन सा फिजिबल होगा, दिस वन विल बी फिजिबल कनेक्शन। सिमिलरली इन दोनों में कौन सा फिजिबल कनेक्शन होगा, दिस विल बी ओनली फिजिबल कनेक्शन। तो आप बताओ मेरे को आप जो यूज करने वाले हो कौन सा ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो, 300 ऑब्लिक कितना 200 ट्रांसफॉर्म, 300 ऑब्लिक अगर 200 में बनाऊं इसको तो मेरे पास क्या दिखाई देगा, बोलो जरा क्या दिखाई देगा, 300 ऑब्लिक 200 बनाऊंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो फटाफट। दिस विल बी माय ट्रांसफॉर्मर, दिस इज 200, दिस इज 300, करेक्ट, ठीक है। अब बताइए आया कैसे रहा होगा, 200 किसके क्रॉस है, इसके क्रॉस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीडी वाइंडिंग, डॉट यहां लग गया। नेक्स्ट बताइए 100 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, दिस विल बी ए, और इसको क्या बोल दिया मैंने, बी बोल दिया, दिस इज प्लस माइनस कितना 100 वोल्ट हो गया। अब बताइए ए में आपके पास क्या करंट एंटर कर रही, चलो इसको 20 एम्पियर कर दिया, करेक्ट हुई। इतनी बात सी से करंट क्या कर रही, लीव कर रही, तो लीव कर रही थी, अपवर्ड आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, दिस इज 10 एम्पियर। अब बताइए ये करंट अगर निकालना है तो इस करंट को मैंने ये ले लिया, और इसको क्योंकि ये एचवी है तो इसको वीएच नाम दे दिया, देखते रहना बस, और इसको नाम क्या दे दिया, आईएस दे दिया। नेक्स्ट बताओ बेटा ये क्या हो गया, वीएल हो गया। नेक्स्ट बताइए जरा ये क्या होगा, आईएल होगा, और इसकी वैल्यू जरा बोल दो कितना हो जाएगा, दिस इज 20 एम्पियर, दिस इज 10 एम्पियर, जुड़ के कितनी करंट जाएगी 30 एम्पियर, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताओ मेरे को 30 एम्पियर आपके पास क्या मिल गया, करंट की वैल्यू मिल गया, जरा वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालो, तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग निकालोगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय चाहे 20 कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 KVA। नेक्स्ट बोलो, या 200 मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दो तब भी कितना आ जाएगा आपके पास 6 KVA, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। तो टर्न रेशियो कितना आया 300/200 वोल्ट, यही आपका फिजिबल है, यही आपका मैक्सिमम केवीए, इससे ज्यादा केवीए नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हो 100/ अगर 300 आप बनाते हो, मान लो 100/300 आप बनाते हो तो आपके पास क्या होगा, बोलो जरा कनेक्शन कैसा आपको दिखाई देगा, बोलो जरा 100/300 अगर आप बनाते हो बेटा तो आपको जो कनेक्शन दिखाई देगा, देखो जरा ऐसा कनेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो ना एक लाइन का कनेक्शन होता है। सबसे आसान टॉपिक है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये कितना हो गया प्लस माइनस कितना 300 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा बोलो 200 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, डॉट बोलो कहां पे है, डॉट जहां पे हो बस उसी देखते रहो, बस डॉट, ये भी डॉट, करंट डॉट से क्या करेंगे निकलेगी, कितनी करंट सी से निकल रही 10 एम्पियर, देख लो 10 एम्पियर, इसमें करंट डॉट पे एंटर करेगी तो एंटर करेगी डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड कितना 20 एम्पियर, तो बोलो ये करंट कितनी हो जाए 20 प्लस 10 कितना 30 एम्पियर, बोलो 100 इंटू 30 करोगे तो 3 KVA केवल आएगा, 300 इंटू 10 करो कितना आएगा 3 KVA केवल आएगा, समझ में आई मेरी बात। सिमिलरली सब्सट्रैक्टिव आप ड्रॉ कर लेना, आपको क्या दिखाई देगा आपके पास, हमेशा और हमेशा आपको जो वैल्यू दिखाएगी सबसे हाईएस्ट जो केवी आपको दिखाई देगा वो कहां दिखाई देगा, दैट इज इक्वल टू 6 KVA आपके पास, क्लियर, ठीक है। तो आपको समझना है एडिटिव पोलैरिटी में ही आपको मैक्सिमम केवीए मिलेगा और कनेक्शन कैसा होगा आपके पास, दैट इज योर 300/ कितना 200 वोल्ट, समझे, ठीक है। तो मैक्सिमम केवीए आपको समझना है तो आप ध्यान रखो इस चीज को, जो फिजिबल कनेक्शन हो उसमें भी जो आपका क्या हो आपका आपके पास टर्न रेशियो जितना कम रहेगा, चाहे वो एडिटिव आप करो तो एडिटिव करोगे, दो कनेक्शन आपको पॉसिबल बनेंगे ही बनेंगे, दोनों में से आप क्या कौन सा आपके लिए यूजफुल होगा वो सिलेक्ट करना आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और भी समझते हैं इसमें क्या पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास क्या दिया हुआ है, 200/400V 50 Hz 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। चलो 2 वाइंडिंग सबसे पहले बना लिए करो, देते ही मान सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो, चलो ये देखो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, दिस इज माई 200 एंड नेक्स्ट वन इज वॉट 400। फास्ट रहो, थोड़ा सा तेज रहो इस चीज को समझने में, अपने दिमाग को तेज चलाओ और फटाफट आंसर करना सीखो। 200 ये कितना 400, ठीक है, 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, रेटिंग बोल दो बेटा कितना 20 KVA। जैसे ही ये दो चीज पता चले फटाक से आप रेटेड करंट निकाल लो, I1 I2, तो मैं I1 की वैल्यू लिख दिया 20 × 10³ डिवाइड बाय कितना 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलिए जरा, 20 10 इधर से गया, 200 200 कैंसिल, कितना बचा 100 एम्पियर, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए I2 is equal to हो जाएगा, that is equal to 20 × 10³ डिवाइड बाय कितना 400, 400 means कितना हो गया 20 × 1000 डिवाइड बाय कितना 400, दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ये कितना बचा 5 और ये कितना हो गया आपके पास 50 एम्पियर।
करेक्ट हुई इतनी बात। तो आपने क्या निकाल लिया, दिस वन इज 100 एम्पीयर एंड दिस वन इज सॉरी दिस वन इज 50 एम्पीयर एंड दिस वन इज व्हाट 100 एम्पीयर। मतलब एलवी साइड पे जो रेटेड करंट है दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू 100 एम्पीयर एंड एचवी साइड पे जो रेटेड करंट उसकी वैल्यू कितना 50 एम्पीयर। तो आई थिंक आपने ये नोट कर रखा होगा तो आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब देखिए रेटेड करंट तो इतनी है, अब आपको कह रहा है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाओ। तो आप पहले ही अगर यहां तो दे दिया कितना इतना का ऑटो ट्रांसफार्मर, बट अगर नहीं दिया होता तो क्या क्या कनेक्शन आप बना सकते थे बताओ। 200/600 अगर बनाना है तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि क्या है आपके पास, एडिटिव पोलरिटी। तो एडिटिव पोलरिटी बोलिए प्राइमरी को फिक्स किया, सेकेंडरी में क्या किया जोड़ दिया, तो 400+ कितना हो गया 200 = कितना 200/600 वोल्ट। तो आप बताइए मेरे को टर्न रेशियो जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 600/ कितना 200 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3। समझे, अब इन्होंने ऐसा बोला इसलिए हम ले रहे हैं, समझ में आई इतनी बात। तो जो जैसा बोले उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग करो, अगर क्वेश्चन दे रहा है इटसेल्फ तो आप उसको लो, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, चलिए ये आ गया 200/600 वोल्ट। अब बताओ, अब कह रहा है तो ये मैं एक ऑटो ट्रांसफॉर्म बना देता हूं। 200 मींस दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट, ये बाय डिफॉल्ट है कि आप डॉट अपनी तरफ से ले सकते हो बेटा, ठीक है। अब बताइए मेरे को 200 मींस ए बी, चलो सबसे पहले मैं ए बी बना देता हूं, ये लो भाई ए बी बन गया, करेक्ट, ठीक है। दिस इज ए बी डॉट टर्मिनल, ठीक है। वोल्टेज बता दीजिए कितना है 200 वोल्ट, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए सेकेंडरी साइड जो होगा 600 आना चाहिए, तो इसका मतलब सी डी को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो सी डी इसमें जोड़ दिया, ये मेरा हो गया सी डी और ये मेरा कितना बन गया बेटा 600 वोल्ट, प्लस माइनस कितना 600 वोल्ट, कैसे 200 और ये कितना आपका 400 वोल्ट। समझ में आई बात, करंट्स की बात कर लेते हैं। अब बताना मेरे को, अब अगर लोड ना दिया होता, अगर लोड ना दिया होता तो आप बताइए सीडी में करंट कितनी फ्लो करती, जितना आई टू, मतलब यहां कितना लिखता मैं 50 एम्पीयर, सी से निकलते हुए तो ये लिख देता 50 एम्पीयर। और बताओ बेटा ए में करंट एंटर करेगी कितनी एम्पीयर करंट होती, 100 एम्पीयर, तो मैं 100 एम्पीयर लिख देता और इसकी वैल्यू में लिख देता 100+ कितना 50 इज इक्वल कितना 150 एम्पीयर। बट मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, जब भी लोड आपको गिवन है कभी भी आप इस करंट्स को रेटेड को आप नहीं लोगे, अगर उसके इक्वल आती है तो इट्स योर लक, ठीक है। बट आप हमेशा करेस्पॉन्डिंग टू लोड करंट हमेशा यूज किया करोगे। तो आप बताइए मेरे को क्या दिया हुआ है, अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड ऑन एचवी साइड, तो आप बताइए यहां पर जो लोड आपका कनेक्टेड वो कितना है आपके पास 12 ओम, ऐसा दिया है उन्होंने 12 ओम। तो आप बताइए अब आप ये रेटेड करंट नहीं लोगे, ये आ गए उसके इक्वल तो ये एक अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो जो करंट आएगी लोड के अकॉर्डिंग वही करंट आप यहां यूज करोगे। तो आप बताइए मेरे को 600 पता है, 12 ये पता है, तो बोलिए ये करंट तो एटलीस्ट आप निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी बेटा 600/ कितना 12, तो कितना आएगा 50 एम्पीयर। मतलब रेटेड करंट के बेटा इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब ये मत कहना सर हम डायरेक्ट ले लिए होते, नहीं, जो लोड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही निकालोगे, ये करंट बाय डिफॉल्ट इसके इक्वल आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब रेटेड ऑपरेशन है। अगर ये कम आता तो आप यहां कम वैल्यू आप यूज करते, करेक्ट। तो ये कितनी हो गई बेटा 50 एम्पीयर करंट हो गई, तो इसका मतलब इसमें करंट कितनी जा रही है 50 एम्पीयर, इज दैट करेक्ट, ठीक है। अब बताइए मेरे को, अब अगर ये 50 एम्पीयर ये करंट है, 50 एम्पीयर आपकी ये करंट बेटा फ्लो कर रही है, तो आप बताइए मेरे को यहां पे जो पावर होगा और यहां पे जो इनपुट का पावर होगा इसको VL बोल दिया, इस करंट को मैंने क्या बोल दिया बेटा IL बोल दिया, इसको मैंने नाम दे दिया VH दे दिया, तो बोली ये वाली करंट क्या कहलाएगी IH कहलाएगी। अब बताइए मेरे को जितना पावर यहां पर होगा उतना ही पावर यहां पर होगा, बोलो ना, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए एलवी साइड से अगर आप देखना स्टार्ट करो तो यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो एक तरीका तो यह है कि आप इस टोटल रेजिस्टेंस को ही रेफर कर लो प्राइमरी पे, और जब भी आप रेफरिंग करोगे तो आपको बता रखा हूं कैसे रेफरिंग होती, बोलिए जरा। एचवी से अगर एलवी आओगे तो टर्न रेशियो तुम्हें पता है कितना है आपके पास 3 है, ठीक है। तो आप एचवी से एलवी अगर आते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करती है, आपकी करंट तो बढ़ती एलवी पे है, रेजिस्टेंस घटता है, तो ए स्क्वायर से क्या करोगे डिवाइड मार दोगे, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12/ कितना ए डैश का स्क्वायर, 12/ कितना 9, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, करेक्ट। दूसरा तरीका
कि अगर आप आर इक्विवेलेंट आप निकालना चाहते हो तो आपको टेस्ट वोल्टेज अप्रोच सिखाया था, याद होना चाहिए। टेस्ट वोल्टेज कितना है 200। अगर मैं आईएल करंट जान जाऊं तो वीएल बाई क्या कर दूंगा, आईएल कर दूंगा, तब भी मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या कहलाएगा आपके आर इक्विवेलेंट। तो मेरे पास ना तो वीएल तो मुझे पता है बट आईएल नहीं पता है, और मैं आईएल निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं, क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, और एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जितना इनपुट पावर उतने क्या होगा आउटपुट पावर। तो बोलो बेटा आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा। तो मैं हटा रहा हूं यहां से ये चीजें, ये भी हटा देता हूं, इसकी नीड नहीं अब हमको, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को आउटपुट पावर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वीएच इनटू कितना आईएच, इज इक्वल टू वीएच बोलो 600 इनटू आईएच की वैल्यू कितनी 50 है, या यही पावर आप लिख सकते थे आईएच के स्क्वायर इनटू कितना 12, क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो है ना। तो वो पावर चाहे वोल्टेज इनटू करंट करो चाहे आई स्क्वायर इनटू आर लिखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। इनपुट की जो पावर होगी क्या होगी वीएल, वीएल की वैल्यू कितनी बोलिए बेटा 200 इनटू कितना आईएल, तो बोलो आईएल इज इक्वल टू आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 200 इनटू कितना 50, ये कैंसिल कितना 3, तो बोलो कितना हो जाएगा 150 क्या एम्पियर, कितनी आ गई बेटा 150 एम्पियर। तो अगर ये 150 एम्पियर है तो बोलो जरा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वीएल बाई कितना आईएल 200 डिवाइड बाई कितना 150, तो वैल्यू कितनी हो जाएगा 220 डिवाइड बाय कितना 15। आपकी वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लो, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 बाय 15 आप करो जितना आ जाए दैट विल बी द ओमिक वैल्यू। तो 20 डिवाइड बाय 15 तो ये वैल्यू आ गई 1.33, कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.33, तो मैं लिख दे रहा हूं 1.33 ओम, दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली 12/9 अगर आप करते हो तो 12 डिवाइड बाय आप 9 कर लो बेटा, तब भी कितनी वैल्यू आएगी आपकी 1.33, तो 1.33 ओम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, लोड रेजिस्टेंस। यहां से अगर आप देखोगे तो आपको इतना दिखाई देगा 1.33 ओम के इक्वल, करेक्ट। अब आपसे पूछता अगर इसी क्वेश्चन में कि बताइए अगर ये लोड कनेक्टेड है तो क्वाइल सीडी और क्वाइल एबी में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो क्वाइल सीडी में कितनी करंट 50 एम्पियर, आईएल की वैल्यू अभी अभी तुमने निकाला कितना बोलो 150 एम्पियर, तो आप बताइए एबी में करंट कितनी फ्लो करेगी, डाउनवर्ड फ्लो करेगी कितनी 100 एम्पियर, करेक्ट हुई इतनी बात। इसका मतलब यहां 50 यहां 100 है, और यही केस आपका टू वाइंडिंग रेटेड करंट भी निकल के आया था, इसका मतलब ये ऑपरेशन किस पे आपका रेटेड कंडीशन पे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे आपको डील करना है, करेक्ट। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, बट दिस विल बी द बेटर अप्रोच, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन बोला है कि मेरे पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कॉयल 1 एंड कॉयल 2, जिसमें दोनों कॉयल की जो रेटेड करंट है वो कितनी है 25 एम्पियर। कॉयल 1 इज एक्साइटेड विद अ सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट, मतलब इसका जो आपका सप्लाई वोल्टेज हो कितना है 400 वोल्ट है, 50 हर्ट्स आपकी फ्रीक्वेंसी है, और आपसे बोला पहला पार्ट इसमें पूछा है द क्वाइल आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन ए सिंगल फेज 400/1000 वोल्ट ऑटो ट्रांसफार्मर टू ड्राइव ए लोड ऑफ 10 kVA, टू ड्राइव ए लोड ऑफ 10 kVA, देन कनेक्शंस इसके क्या होने चाहिए, मतलब ए का डी से करें कि सी का बी से करें, कैसा कनेक्शन होगा, आपसे यही पहला क्वेश्चन आपसे पूछा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अंडर दिस सिचुएशन क्वाइल 1 और क्वाइल 2 में करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। तो आप बताइए मेरे को, सबसे पहले अगर आप कहते हो कि ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, कितने ऑब्लिक कितने का 4000 टर्न इसमें है 6000 टर्न इसमें है, और इसकी सप्लाई अगर 400 वोल्ट है, इफ इट इज 400 वोल्ट तो आप ऑब्वियस सी बात ना इधर का वोल्टेज आपका ज्यादा आएगा, कितना आएगा टर्न रेशियो, टू वाइंडिंग का अगर मैं निकालूं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो तो कितना आएगा बोलिए 4000 डिवाइड बाय कितना 6000 कैंसिल 4 बाय कितना आ गया 6 आ गया, करेक्ट हुई इतनी बात। अब बताइए मेरे को अगर प्राइमरी पे 400 वोल्ट है सेकेंडरी वोल्टेज कितना आएगा, इधर ज्यादा टर्न में ज्यादा आएगा, ज्यादा अगर आना है तो एलवी एचवी की तरफ चलोगे, तो आप बताइए मैं क्या लिख दूंगा v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए v1 तो जो हाई है 400 इनटू करूं 4/6 से डिवाइड करूं, मुझको वोल्टेज बढ़ाना है तो अगर आप इनटू कर दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा आपका डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6/4, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो इधर कितना आ गया 600 वोल्ट, क्लियर होती बात। तो मतलब V2 कितना होगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 600 वोल्ट,
अब देखिए जरा ध्यान से, अब कह रहा है कि अब इस ट्रांसफॉर्मर से तो आपने V1 V2 आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको ऑटो में कनेक्ट करना है 400/1000 वोल्ट, तो 400 आपको सप्लाई बनाना है तो मतलब, और 1000 सेकेंडरी, तो मतलब 600+400 बनेगा, इसका मतलब एडिटिव पोलैरिटी। तो इसका मतलब मैं बना देता हूं, दिस इज माय फर्स्ट वाइंडिंग क्वाइल वन, ये क्वाइल वन है मेरा, तो क्वाइल वन का नाम क्या है ए, और ये क्या है बी है, डॉट टर्मिनल यहां शोड है, दिस वन इज इक्वल टू कितना 400 वोल्ट। नेक्स्ट बताइए, सेकंड क्वाइल इससे कनेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि मुझको जो आउटपुट चाहिए कितना चाहिए आपका +-1000, तो +-1000 वोल्ट बना दिया, ये क्या बनेगा आपका सी और ये बनेगा डी, ये क्या हो गया डॉट पॉइंट। तो आप बताओ मेरे को, यहां आपका लोड कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलिए बेटा 10 कितना केवीए, 10 केवीए का आपका लोड है, समझ में इतनी बात। तब आपसे पूछा है बताइए, तो इस तरीके कनेक्शन बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने ए को डी से कनेक्ट किया और बी टर्मिनल को आपने क्या कर दिया, सॉरी ए और डी को आपने क्या किया, आपने ए टर्मिनल को डी से कनेक्ट किया। तो आप देखो जरा, ए टर्मिनल का आपने डी से कनेक्ट किया, सी टर्मिनल का आप किससे कनेक्ट, सी और बी में, आप देखो जरा, ए को आप कनेक्ट कर दिए डी से, यहां देखो ये आपका डी से कनेक्ट हो गया। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दिया हुआ कनेक्ट ए एंड डी एंड कॉमन बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और डी का आपने कनेक्ट कर दिया और कॉमन क्या बना दिया आपने, बी को बना दिया, तो आपका कनेक्शन क्या बन गया, जो आपसे बोला गया वही कनेक्शन आपका फ्रेम हो गया। अब देखो, तो एक पार्ट इज डन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है बताइए, क्वाइल वन क्वाइल टू में कितनी करंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस लोडिंग कंडीशन। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, रेटेड करंट तभी आपको इसमें आप लिखते हो जब यहां पे लोड मेंशन नहीं है, तो आप रेटेड अपनी तरफ से मान लेते हो, और रेटेड करंट दोनों साइड पे कितना दिया, 25 एम्पियर, तो दिया है तो दिया है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट अगर आपको लोडिंग दी हुई है तो लोड के अकॉर्डिंग आप करंट को हमेशा डिसाइड करोगे। बोलो बेटा 10 केवीए का अगर लोड है, तो मैंने कहा था आइडियल ट्रांसफॉर्मर है अगर, तो यहां का केवीए, यहां केवीए हमेशा सेम होगा, अगर ये 10 केवीए है तो ऑब्वियसली यहां पर भी कितना होगा 10 केवीए, बोलो ना सेम केवीए। तो आप बताइए मेरे को जरा, बताइए आंसर क्या क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज क्या लो वोल्टेज, इसको वीएल कह दिया, दिस करंट इज व्हाट आईएल, सी से करंट निकलेगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईएच, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड है। नेक्स्ट बताइए, ए से करंट एंटर करेगी तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इन दोनों का आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप जरा निकाल लेते हैं इसको, आईएल माइनस आईएच आएगा, ये डैम श्योर है, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को जरा क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे, सबसे पहले ये करंट की बात करते हैं, तो ये केवीए दिया है, तो VL VH इंटू आई एच इज इक्वल टू 10 × 10³, तो IH की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 × 10³ डिवाइड बाय VH, VH की वैल्यू कितनी 10³, तो कितना आ गया 10 एम्पियर, समझ में आई इतनी बात। तो ये वैल्यू कितनी आ गया आपकी 10 एम्पियर। तो बोलो CD कॉइल में जो कॉइल 2 में जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी फ्लो करेगी आपकी 10 एम्पियर, एक आंसर फाइंड आउट हो गया। अब कॉइल 1 पाते हैं, कॉइल वन के अगर करंट चाहिए तो ये वाली सबसे पहले करंट आपको निकालना पड़ेगा, ये करंट कैसे निकले बोलिए, इज इक्वल टू बोलो बेटा 400 × कितना आईएल, और आईएल की वैल्यू आ जाएगी 10 × 10³ डिवाइड बाय कितना 400, 10 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट, कितना बचा 100 डिवाइड बाय कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 5 एम्पियर, सॉरी तो कितना हो गया इसकी करंट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 25 कितना एम्पियर। तो आप बताइए मेरे को, ये 25 एम्पियर है, ये 25 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, तो बोलिए ये वाली करंट कितनी होगी, 25 − 10 कर दो कितना आ जाएगा 15 एम्पियर, कितना आ गया बेटा 15 एम्पियर। तो ये कॉइल ए बी कॉइल कौन सी है, कॉइल वन, तो कॉइल वन में जाएगी आपकी 15 एम्पियर, कॉइल टू में आपकी जाएगी कितनी 10 एम्पियर। आप ये मत कह देना कॉइल वन कॉइल टू में 25 एम्पियर करंट जाएगी, क्योंकि रेटेड करंट आप बेटा तभी ले सकते हो जब आपके पास लोडिंग कंडीशन आपकी मेंशन नहीं होगी। अगर लोडिंग कंडीशन मेंशन है तो आपको रेटेड रोटेड के चक्कर बिल्कुल नहीं पड़ना है, आपका जो लोड डिसाइड करेगा करंट को आपको वही करंट क्या करना है आपको यूज करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे। तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं और इसी टाइप की चीज़ें आपसे बार बार पूछी जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई भी अच्छे क्वेश्चन की नीड पड़ेगी, दैट विल बी द गुड थिंग, ठीक है। आपका सोल्यूशन इतने में परफेक्ट हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई क्वेश्चन कराने की नीड होनी चाहिए, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट।
करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, आप इस तरीके क्वेश्चंस को ही आप डील करोगे। तो आप हमेशा याद रखो पावर बैलेंस इक्वेशन को, करंट का डिसीजन बेटा ट्राई हमेशा किया करो, डॉट कन्वेंशन आप यूज किया करो। अगर आप डॉट कन्वेंशन के थ्रू आप करते हो तो आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेंगे, आपके लिए ईजी बनेंगे। समझे मेरी बात, एक सेंटर कराओ एक स्लिप कराओ, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, उसके लिए क्यों वरी कर रहे हो आप, ठीक है। माइनस प्लस मैं बार बार कह रहा हूं, माइनस प्लस केवल डायरेक्शंस को शो करता है, एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझे मेरी बात। तो आपको ऑटो ट्रांसफॉर्म मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे कंपैरिजन आपको करना, कैसे आप क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हो आप, या मेरी राय यह है कि आप सीधे अब टेस्ट सीरीज में जंप करना और उसमें आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप क्या करना, आप ट्राई करना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे और भी देखेंगे इस तरीके की चीजों को। और नेक्स्ट बस दो टॉपिक और बचे हैं आपके ट्रांसफार्मर के, दैट इज वन इज योर पैरेलल ऑपरेशन एंड सेकंड वन इज योर थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों टॉपिक हम खत्म करेंगे और ट्रांसफार्मर का बहुत जल्द आपका एंड अप कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।